Hello everyone, welcome to the next lecture of Mechanical Properties of Fluid. So today, this is our fourth lecture. Sorry, बहुत दिनों बाद वीडियो चल रहा था तबियत खराब होने के कारण. So today, in the Mechanical Properties of Fluid, we are going to see the next topic in the steady flow, in the steady fluid. The next topic is Pascal law. तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे पास्कल, उन्होंने एक लॉ दिया ऑन स्टेडी फ्लूइड. स्टेडी फ्लूइड के ऊपर उन्होंने क्या दिया है, लॉ दिया. उनका क्या कहना है वो देखते. उन्होंने कहा इट स्टेट्स दैट प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट, ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट. मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय, अगर हमारे पास, अगर हम किसी भी enclosed fluid में, enclosed fluid मतलब हमारे पास क्या है, closed container है. हमारे पास क्या है, ये closed container. मान लो piston cylinder experiment मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, piston cylinder experiment. तो ये मेरा cylinder हो गया और ये मेरा piston हो गया. ये मेरा क्या हो गया, piston हो गया. अगर मैंने इसके अंदर fluid fill कर दिया, If I have filled the fluid in this enclosed container, सबसे पहला कंडीशन क्या है, कंटेनर पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए. सबसे पहला कंडीशन क्या है, कंटेनर पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए. और सेकेंड कंडीशन क्या है, उसके अंदर जो फ्लूड है वो स्टेडी होना चाहिए. स्टेडी मतलब एट रेस्ट पे होना चाहिए. तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है पास्कल लॉ के लिए, दिमाग में डाल लो. फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंटेनर must be enclosed. Enclosed मतलब चारों तरफ से वो बंद होना चाहिए. Second condition क्या है, fluid must be in rest. तो ये condition याद रखना है, पास्कल लॉ इसलिए पहले ही statement में दिया है. It states that pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest. Enclosed fluid at rest का मतलब यही होता है कि अपना जो कंटेनर है वो चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए और जो उसके अंदर का फ्लूड है वो किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए. क्लियर है ये कंडीशन, मान लेते हैं अभी ये दो कंडीशन तो फुलफिल हो गए. अब फर्स्ट स्टेटमेंट की सबसे बात करेंगे हम लोग, इसकी सबसे बात करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट की. तो उसने क्या कहा कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर पी अप्लाई कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर देखो एनक्लोज सरफेस है, एनक्लोज सरफेस में ये कंडीशन याद रखो, वॉल नंबर वन, वॉल नंबर टू, वॉल नंबर थ्री, दे आर फिक्स्ड, वन टू एंड थ्री आर फिक्स्ड, वो मूव नहीं हो सकते. और जो वॉल नंबर फोर है जिसको हम पिस्टन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, पिस्टन. क्या कहते हैं हम लोग इसे, पिस्टन. ये जो पिस्टन है वॉल नंबर फोर, तो वॉल नंबर फोर जो हमारा होता है वो होता है, क्या होता है हमारा वॉल नंबर फोर, मूवेबल. तो ये याद रखना है कि एंक्लोज सिलेंडर भी कैसा होना चाहिए, उसके तीन वॉल फिक्स होने चाहिए और एक जो पिस्टन जिसे हम बनाएंगे, जिस वॉल को हम पिस्टन बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, मूवेबल. मूवेबल मतलब ऊपर या नीचे जा सके. तो अगर मैं इस पिस्टन पे या वॉल नंबर फोर पे कोई प्रेशर अप्लाई करता हूँ, अगर मैं किसी वॉल नंबर पे या वॉल नंबर फोर या पिस्टन पे क्या अप्लाई करता हूँ किसी तरह का प्रेशर, से मान लो मैंने 10 किलो का पत्थर रख दिया इसके ऊपर, क्या रख दिया, 10 किलो का पत्थर रख दिया इसके ऊपर. मेरा ये पिस्टन था, मैंने इसके ऊपर क्या किया, 10 किलो का पत्थर रख दिया. तो 10 किलो का पत्थर जो है वो क्या करेगा, पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का मारेगा, इसकी वजह से पिस्टन क्या होगा, नीचे जाना चालू हो जाएगा. अभी इसका इनिशियल पोजीशन ये है, कुछ टाइम बाद इसका इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगा. दिस इज पोजीशन वन ऑफ पिस्टन, दिस इज पोजीशन टू ऑफ पिस्टन. पोजीशन वन मतलब बिफोर 10 kg, पोजीशन टू मतलब आफ्टर 10 kg. तो मान लो कि मैंने 10 kg का क्या कर दिया, पत्थर रख दिया किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर.
तो क्या होगा, हमारा पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव होना चालू होगा। बिकॉज ऑफ दिस पिस्टन, बिकॉज ऑफ दिस 10 kg वेट, बिकॉज ऑफ दिस 10 kg वेट क्या होगा, इस पिस्टन के ऊपर एक तरफ का प्रेशर बनेगा या फ्लूइड के ऊपर क्या आएगा, प्रेशर आएगा, दबा रहे ना उसको। कभी भी हम किसी भी चीज़ को दबाएंगे या किसी भी चीज़ पे दबाव डालेंगे तो वो क्या होगा, वो प्रेशर में आ जाएगा। हमारा एग्जांपल ले लो, जब हम एग्ज़ाम के लिए आपको प्रेशराइज करेंगे कि एग्ज़ाम आ रहा है पढ़ो, एग्ज़ाम आ रहा है पढ़ो, एग्ज़ाम आ रहा है पढ़ो, या बोर्ड्स आ रहे हैं पढ़ो, बोर्ड्स आ रहे हैं पढ़ो, 2 महीने बाकी है, 1 महीने बाकी है, 15 दिन बाकी है, 20 चैप्टर करने हैं, बायो के इतने बाकी है, केमिस्ट्री के इतने बाकी है, तो ये सोच सोच के अपने ऊपर क्या आता है, प्रेशर आता है, बराबर। क्यों? क्योंकि टीचर्स या पेरेंट्स हमारे ऊपर क्या डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, दबाव। तो यहाँ पर हमने दबाव के रूप में क्या पुट किया है, हमने 10 kg का वेट पुट किया है। इसकी वजह से जैसे हमें एग्जाम का प्रेशर आता है, जैसे जैसे डेट नहीं खाती, इसके ऊपर भी क्या आएगा, एक प्रेशर आएगा, क्या आएगा, एक प्रेशर आएगा। तो जब ये प्रेशर अप्लाई होगा, जब ये प्रेशर अप्लाई होगा, वो फ्लूइड के चारों तरफ सेम रहेगा। क्या दिया आगे, इट स्टेट्स दैट प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, हमने कौन से पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया, सिर्फ इस पॉइंट पे, मतलब ऊपर के पॉइंट पे या ऊपर के पिस्टन पे, हमने सिर्फ और सिर्फ कौन से वॉल पे प्रेशर दिया, एट पिस्टन, बराबर। बट उसने क्या बोला है, एट एनी पॉइंट ऑफ एनक्लोज फ्लूइड, तो हमने कौन से पॉइंट पे प्रेशर दिया है, इस डायग्राम में हमने दिया है पिस्टन के ऊपर प्रेशर। तो उसने क्या बोला, जो फ्लूइड है अपना, जो अपना क्या है, फ्लूइड है, मान लो वाटर फिल किया है या केरोसिन या मर्क्यूरी फिल किया है आपने, तो जो भी फ्लूइड आपने फिल किया है, वो जो भी प्रेशर आपने इसके ऊपर डाला है, वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, मतलब हर एक वॉल के ऊपर और हर एक पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, वो प्रेशर लगाएगा, हर एक वॉल के ऊपर या हर एक पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, वो प्रेशर लगाएगा। इक्वल एंड अनडिमिनिश्ड, इक्वल एंड अनडिमिनिश का मतलब क्या है, देखो, मतलब अगर जैसे हम लोग देखते हैं, हम मान लो मेरे पास ये ग्लास है, क्या है, मेरे पास ये ग्लास है, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो हार्ड है या फिक्स्ड है इसके वॉल, इसलिए ये मूव नहीं होगा, इसलिए ये मूव नहीं होगा। पर अगर मेरे पास कोई फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट रहता, फॉर एग्जाम्पल बलून, तो अगर बलून है होता मेरे पास, तो अगर मैं इसका ये दो साइड प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या होगा, उसके अपर एंड बॉटम साइड क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, अपर एंड बॉटम साइड क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। कभी भी एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर हम बलून को अंदर की तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड से प्रेस करेंगे, तो उसके अप एंड डाउन पोर्शन क्या होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब जो प्रेशर हम यहाँ पर लगा रहे हैं वही प्रेशर क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऊपर और नीचे के पार्ट में। सिमिलरली यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जो प्रेशर है वो कहाँ लगा रहे हैं, नीचे की तरफ, वी आर अप्लाइंग प्रेशर एट डाउनवर्ड डिरेक्शन। ये जो लिक्विड है वो तीनों वॉल पे बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, बाहर की तरफ क्या लगाएगा, वो प्रेशर लगाएगा। और ये जो प्रेशर होगा, ये जो प्रेशर होगा वो बिना भेदभाव के होगा, बिना भेदभाव मतलब चारों या तीनों वॉल पे सेम ही लगेगा। अगर इस वॉल पे प्रेशर पी लग रहा है, तो इस वॉल पे भी प्रेशर पी ही रहेगा और इस वॉल पे भी प्रेशर पी ही रहेगा। क्लियर है सबको? तो ये बताया गया है हमें किसने, पास्कल ने। तो हर एक पॉइंट पे जितना प्रेशर हम लगा रहे हैं, किस पे, फ्लूइड पे, किस पे लगा रहे हैं, फ्लूइड पे या किसी भी एक वॉल पे, उतना ही सेम प्रेशर बाकी के वॉल्स पे भी लगेगा और हर एक पॉइंट पे भी लगेगा। मतलब जो प्रेशर हम लगा रहे, फ्लूइड क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या ट्रांसमिट कर देगा, क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोल सकते, उसको ट्रांसमिट ही बोल सकते, मतलब जितना प्रेशर खुद के पास है उतना ही उसने सब में बांट दिया, उतना ही उसने क्या कर दिया, सब में बांट दिया, बराबर। तो बिना भेदभाव, इक्वली मतलब सब में बराबर, एंड अनडिमिनिश मतलब बिना भेदभाव के उसने क्या किया, जितने भी पॉइंट है पूरे कंटेनर में उसमें क्या कर देगा, वो अपना प्रेशर बांट देगा जितना उस पर आ रहा है, फिर वो किसी भी पॉइंट पे हो कंटेनर के अंदर या सब किसी भी पॉइंट ऑफ वॉल पे, या कोई भी पॉइंट लिक्विड में हो या कोई भी पॉइंट वॉल पे हो, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो क्या पता चला हमें कि अगर हम किसी भी क्लोज कंटेनर में, इफ़ यू फील अ लिक्विड और फ्लूइड इन अ क्लोज कंटेनर, देन दैट एंड वी अप्लाई वन प्रेशर पी एट एनी पॉइंट
ऑफ द कंटेनर, एट एनी पॉइंट ऑफ द कंटेनर, तो उसका जो प्रेशर हमने अप्लाई किया वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये था स्टेटमेंट। अब अच्छे से और समझने के लिए, और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास दो एप्लीकेशन है पास्कल लॉ। वी हैव टू एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। कभी कभी आप मोटर कार रिपेयर के शॉप में गए रहेंगे या शोरूम में गए रहेंगे, मोटर कार रिपेयर के शोरूम में गए रहेंगे, तो आपने देखा रहेगा कि अपनी जो व्हीकल्स होती है वो कुछ हाइट पे होती है, राइट? व्हीकल जो होती है वो कुछ हाइट पे होती है, या फोर व्हीलर जो, या फोर व्हीलर के जो शोरूम होते हैं उनको अगर सर्विसिंग करना है तो हम देखते हैं कि व्हीकल की हाइट, व्हीकल को क्या रखते हैं, थोड़े हाइट पे रखते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान जाते हैं व्हीकल को या कार को उठाते हैं और शाफ्ट पे रख देते, ऐसा तो कभी नहीं होगा, राइट? तो वहाँ पर जो मैकेनिज्म यूज होता है उसे कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। मतलब किसी भी हाइड्रोलिक लिफ्ट किस लिए होता है? टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट यूजिंग लेस प्रेशर। मतलब कम दबाव लगा के हम हैवी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली हमें देखा रहेगा आपने किधर? फोर व्हीलर शोरूम के सर्विस सेंटर में। कहाँ पर देखा रहेगा आपने? फोर व्हीलर शोरूम के सर्विस सेंटर पे, जहाँ पर अपनी बाइक्स या अपने कार्स, क्या होते हैं, बाइक्स तो नहीं बोलूँगा, कार जो होते हैं वो अपने ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया होता है एक शाफ्ट में, बराबर? उसको लिफ्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म या जो मेथड यूज होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो उसके पास क्या होता है, देख लेते हैं क्या होता है। मैंने क्या बोला था, पास्कल लॉ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है। सिलेंडर कैसा होना चाहिए? एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड मतलब चारों तरफ से पैक, बराबर? उसके तीन वॉल फिक्स होने चाहिए और एक वॉल मूवेबल होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपको डायग्राम दिख रहा है, जो ब्लू से बनाया है मैंने, फिक्स पार्ट है, किससे बनाया है, जो मैंने ब्लू से बनाया है वो फिक्स्ड वॉल ऑफ सिलेंडर है। क्या है वो? फिक्स्ड वॉल ऑफ सिलेंडर। और जो मैंने रेड से बनाया है वो है मूवेबल वॉल ऑफ सिलेंडर, मूवेबल वॉल ऑफ सिलेंडर। तो इतना समझ लेना है दोनों डायग्राम में, जो ब्लू से बनाया है वो फिक्स्ड वॉल है, जो रेड से बनाया है वो मूवेबल वॉल है। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे पास दो कंटेनर है, दोनों को देखो मैंने कनेक्ट करके रखा है, दोनों को मैंने क्या करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है। क्यों कनेक्ट किया है? ताकि मैं एक के ऊपर दबाव दूँ तो जो दबाव या जो प्रेशर है वो दूसरे में भी ट्रांसमिट हो, दूसरे में भी क्या हो, ट्रांसमिट हो। तो देखो मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है जिसको मैं बोलूँगा सिलेंडर वन, यहाँ पर एक सिलेंडर है, यहाँ पर बोलूँगा मैं सिलेंडर। इसके पास दो पिस्टन है, क्या है, इसके पास दो पिस्टन। सिलेंडर वन का जो पिस्टन है उसको मैं बोलूंगा S1, सिलेंडर वन के पिस्टन को क्या बोलूंगा मैं S1, सिलेंडर टू के पिस्टन को S2, बराबर? सिलेंडर टू के पिस्टन को S2। जो मुझे हैवी व्हीकल को या हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, जिस भी हैवी ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, लिफ्ट करना है, मान लो ये मेरी कार है, यहाँ पर मैंने कार रख दी, क्योंकि कार को मुझे लिफ्ट करना है, उसको सर्विस करना है, तो जिस भी हैवी ऑब्जेक्ट को मुझे लिफ्ट करना है उसे मैं कहाँ रखूँगा, S2 पे रखूँगा, कहाँ रखूँगा, S2 पे रखूँगा। क्लियर है? अब देखो सिंपल सी बात है, पिस्टन छोटा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको बोलेंगे हम लोग A1, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, A1, A1, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन वन या S1 को क्या बोलेंगे हम लोग, A1। क्रॉस सेक्शन एरिया या जो सेकेंड पिस्टन का एरिया है, सेकेंड पिस्टन का एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे A2। सेकेंड पिस्टन को एरिया को क्या बोलेंगे अपन, A2। यहाँ पर सिंपल सी बात क्या याद, क्या याद रखनी है, फर्स्ट पिस्टन जो छोटा है, फर्स्ट सिलेंडर जो छोटा है उसके पिस्टन को S1, सेकेंड सिलेंडर जो बड़ा है उसके पिस्टन को S2। क्लियर है इतना? उसके बाद फर्स्ट पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया A1, सेकेंड पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया A2, इतना भी क्लियर है? अब हमें पता है, याद क्या रखना है, जिस भी हैवी ऑब्जेक्ट को हमें लिफ्ट करना है, जिस भी हैवी ऑब्जेक्ट को हमें लिफ्ट करना है उसको हम हमेशा S2 पे ही रखेंगे। S2 मतलब
पिस्टन ऑफ बिगर सिलेंडर, जो अपना बड़ा सिलेंडर है उसके पिस्टन पे हम लोग क्या रख देंगे, हैवी व्हीकल को रख देंगे, बराबर। चलो अब मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, पिस्टन S1 पे। क्या अप्लाई किया मैंने, प्रेशर P। क्या अप्लाई किया मैंने, प्रेशर P, बराबर। चलो तो ये प्रेशर P मैंने अप्लाई किया, अब प्रेशर P की वजह से पिस्टन जो S1 है वो नीचे जाएगा, प्रेशर P की वजह से जो पिस्टन S1 है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब ये लिक्विड को दबाएगा, ये जो फ्लूइड फिल किया हुआ है, ये जो फ्लूइड फिल किया हुआ है कंटेनर में, ये उसको दबाएगा। मतलब क्या हुआ, अब जो प्रेशर मैंने पिस्टन पे दिया था, अब जो प्रेशर मैंने किस पे दिया था, पिस्टन पे, वो किसके पास आ गया अभी, फ्लूइड के पास, दब रहा है ना वो। देखो एक सिंपल सी बात है, जब पेरेंट्स आपको बोलते प्रेशर आ रहा है, एग्जाम आ रहे, एग्जाम आ रहे, एग्जाम आ रहे, बाहर से प्रेशर लगा, मतलब बाहर से जिसने प्रेशर लगाया वो कौन है, आपके पेरेंट्स, आपने प्रेशर लिया, वो आपके प्रेशर कहाँ पर गया, आपके दिमाग में, फिर अपन को टेंशन आ जाता है, क्या आ जाता है अपने को, टेंशन आ जाता है, बराबर। मतलब क्या हो गया, अपने को किसी ने बाहर से टेंशन लिया और अपन ने खुद या अपने को जिसने भी प्रेशराइज किया और अपन प्रेशराइज हो गए, मतलब किसी और ने अपने को प्रेशराइज किया और अपन प्रेशराइज हो गए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर बाहर से मैंने लिक्विड को प्रेशराइज किया और लिक्विड क्या हो गया, प्रेशराइज हो गया, या फ्लूइड क्या हो गया, प्रेशराइज। तो जैसे ये पिस्टन नीचे जाएगा, जो प्रेशर मैंने क्या दिया, कहाँ दिया था, पिस्टन पे दिया था, वो पूरे लिक्विड में आ जाएगा कंटेनर के A1 में, बराबर। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन इन कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2, ये जो प्रेशर है वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, क्या होगा, ट्रांसमिट, क्योंकि पास्कल ने बोला है, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, पूरे सिस्टम में, क्योंकि पूरा कंटेनर, अगर मैं पूरे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट को पूरा सिस्टम मानू, पूरा क्लोज्ड ही है वो, अगर मैं दोनों को एक ही मानू तो पूरा क्या है, वो क्लोज्ड है और पूरा क्या है, फ्लूइड से भरा हुआ, क्या करेगा एट रेस्ट, फ्लूइड किसमें था, रेस्ट में, इट ट्रांसमिट इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, मतलब जो प्रेशर मैंने यहाँ पर दिया वही लिक्विड वन में भी आएगा, कंटेनर वन में भी आएगा, वही प्रेशर इस कनेक्शन में भी आएगा और वही प्रेशर कहाँ पर आएगा, इस फ्लूइड में भी आएगा, जो इसमें है, इसमें है जो कंटेनर टू में है, बराबर। अब देखो अगर मैं यहाँ से लिक्विड को दबा रहा हूँ तो यहाँ से क्या होगा, लिक्विड ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ से फ्लूइड को क्या कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ से फ्लूइड क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एट पिस्टन एस टू यहाँ पर क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, बराबर। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इट स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मतलब मैंने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया एट एन इनक्लोज फ्लूइड एट रेस्ट, ये छोड़ दो, ये अपने को पता है, इट ट्रांसमिट इक्वली एट एंड अनडिमिनिश्ड एट एवरी पॉइंट, मतलब पूरे सिस्टम में, चाहे मैं ये पॉइंट लूँ, 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 या चाहे मैं ये पॉइंट, प्रेशर कितना रहेगा, पी ही रहेगा, प्रेशर कितना रहेगा, पी ही रहेगा, या चाहे मैं इस पिस्टन के ऊपर पॉइंट ले लूँ, कितना रहेगा प्रेशर, पी ही रहेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस पास्कल लॉ, बिकॉज ऑफ दिस पास्कल लॉ हमें क्या मिला, कि जो प्रेशर हमने एस वन पे अप्लाई किया था कहाँ पर ट्रांसमिट हो गया, एस टू पे। अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब यहाँ पर प्रेशर कहाँ लग रहा है, एस टू पे ऊपर की तरफ, एस टू पे प्रेशर कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, प्रेशर कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा था तो पिस्टन नीचे गया था, हाँ या नहीं, यहाँ पर प्रेशर कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो पिस्टन कहाँ जाएगा, पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर प्रेशर अगर ऊपर लग रहा है तो कुछ टाइम बाद ये व्हीकल का पोजीशन जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मान लो मैं ये ब्लू से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, कुछ ऐसा हो जाएगा और अपनी कार ऊपर लिफ्ट हो जाएगी, ठीक
क्लियर है. दिस इज द मैकेनिज्म विच इज यूज टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट. देखो इस पिस्टन को नीचे करना है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया क्या है, छोटा है, तो इसको दबाने में ज़्यादा टाइम, ज़्यादा ताकत तो लगेगा नहीं. इसका एरिया कम होने की वजह से इसको दबाने में ज़्यादा ताकत या ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, बराबर. वही इसको उठाना है अपने को, तो इसको क्या करना पड़ता था, तो अगर मैं सिर्फ इसको उठाने जाता, अगर मैं सिर्फ इसको उठाने जाता तो इसको मुझे क्या लगाना पड़ता था, प्रेशर लगाना पड़ता. तो यहाँ पर क्या क्या मैंने यहाँ पर प्रेशर लगाया, वही प्रेशर यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ और उतने ही प्रेशर में ज़्यादा फोर्स मिला किसको, पिस्टन एस टू को, और व्हीकल ऊपर उठ गया, बराबर. तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या, इस पॉइंट पे प्रेशर पी था, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है पी, इस पॉइंट पे भी प्रेशर कितना है पी, बराबर. इस पॉइंट पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रेशर इन पिस्टन एस वन, फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. हाँ या नहीं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. बट यहाँ पर क्या है, पिस्टन S1 था, इसलिए मैंने फोर्स को F1 दे दिया और एरिया को A1. सिमिलरली फॉर पिस्टन S2, फॉर पिस्टन S2 प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर तो P ही है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है. बट यहाँ पर देखो पिस्टन चेंज हो गया, बड़ा पिस्टन है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा उठाने को और एरिया भी इसका ज़्यादा है. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर कम फोर्स लगा के पिस्टन एस वन नीचे जा रहा है, वही उतना ही प्रेशर यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ, पर जो अपना ये था क्या था, पिस्टन एस टू वो ऊपर चले गया. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पिस्टन एस वन पे भी प्रेशर सेम है, पिस्टन एस टू पे भी प्रेशर सेम है. तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे. तो फ्रॉम वन एंड टू हम क्या लिखेंगे, एफ वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू. अगर मुझे एफ टू की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एफ टू की, एफ टू की वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ टू इज इक्वल टू ए टू ऊपर चले गया तो ए टू अपॉन ए वन, तो एफ वन इंटू ए टू अपॉन ए वन. याद रखना है, अगर आपको किसी ने पूछा कि मैंने फोर्स एफ वन लगाया पिस्टन S1 पे, फोर्स F1 लगाया पिस्टन S1 पे और पिस्टन S2 का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और A1 भी गिवन है, तो फोर्स कितना लग रहा है वो हम पता कर सकते हैं. दिस इज अबाउट द हाइड्रोलिक लिफ्ट, कि हम कम प्रेशर में भी ज़्यादा हैवी मटेरियल ऊपर उठा सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन, आई होप इज इट क्लियर. थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि लंबा टॉपिक है इसीलिए, और लंबा वीडियो बनने वाला है इसका. तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप स्लो मोशन में देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, विच वी आर सीन इन शोरूम्स ऑफ फोर व्हीलर सर्विस सेंटर. मतलब जहाँ पर हम लोग फोर व्हीलर सर्विसिंग को देते हैं तो हमें उसको उठा के देखना पड़ता है, राइट. वो जमाना गया कि इंसान बैठता गाड़ी के नीचे घुस के रिपेयर करता था. एक जमाना था कि इंसान जब था वो गाड़ी के नीचे सो के गाड़ी की रिपेयरिंग करता था, पर अब क्या करता है, क्योंकि इंसान आलसी हो गया है और उसको क्लियरली सो के दिखता नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, खुद सोने की वजह गाड़ी को ही उठा दिया और वो इजीली सब काम गाड़ी का कर सकता है बाई यूजिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट. दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ. नाउ सेकेंड इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स. सेकेंड क्या है हमारा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स. अभी जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है ये हम देखते हैं गाड़ियों में, कोई भी तरह की गाड़ी हो, किसी भी तरह की गाड़ी हो, हमने सुना रहेगा गाड़ी में हम ब्रेक ऑयल डालते हैं, राइट. हम क्या डालते हैं, ब्रेक ऑयल. जो ब्रेक ऑयल होता है वही फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड हम बात कर रहे हैं इस ब्रेक्स में, तो हम बात किसमें कर रहे हैं, ब्रेक में. मैंने पहले भी बताया था, ब्लू मतलब सिलेंडर, ब्लू मतलब सिलेंडर, सिलेंडर का ऐसे तीन वॉल जो फिक्स्ड है, रेड मतलब पिस्टन जो मूव हो सकता है. चलो तो क्या है क्या नहीं देखते हैं. मान लो ये फोर व्हीलर का है मेरे पास सिस्टम, किसका है, जो सिस्टम मैंने बनाया है हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, वो किसका सिस्टम है, फोर व्हीलर का सिस्टम है. किसका सिस्टम है, फोर व्हीलर का.
जो मैंने सिलेंडर वन, सिलेंडर टू, सिलेंडर थ्री, सिलेंडर फोर दिखाए, सिलेंडर वन, सिलेंडर टू, सिलेंडर थ्री, सिलेंडर फोर, ये अपने चार व्हील से कनेक्टेड होते हैं। ये अपने किससे कनेक्टेड होते हैं? चार व्हील, मतलब पिस्टन वन है जो पिस्टन, सिलेंडर वन का जो पिस्टन है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? पीछे के व्हील वन से। पिस्टन टू का, सॉरी, सिलेंडर टू का जो पिस्टन है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? व्हील टू से। पिस्टन थ्री का व्हील थ्री से। पिस्टन फोर का व्हील फोर से, बराबर। तो जो अलग अलग पिस्टन दिखाए गए हैं हमें चार, सिलेंडर वन, सिलेंडर टू, सिलेंडर थ्री एंड सिलेंडर फोर, ये इसके पिस्टन कनेक्टेड होते हैं अपने व्हील के, अपनी गाड़ी के व्हील से, अपनी गाड़ी के व्हील से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो अभी देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज क्या। सिंपल सी बात है, हाइड्रो मतलब फ्लूइड, हाइड्रो मतलब फ्लूइड, ब्रेक मतलब कुछ किसी का स्पीड कम करना है आपने, मतलब जब भी हम फ्लूइड का यूज करके किसी भी चीज का स्पीड कम करेंगे या उसको रोक देंगे, किसी भी फ्लूइड का यूज करके अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अपोज कर रहे हैं या उसे स्टॉप कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो यहाँ पर चार सिलेंडर है अपने पास, वन टू थ्री एंड फोर, इन चारों सिलेंडर के जो पिस्टन होते हैं वो अपने व्हील से कनेक्टेड होते हैं। कितने कनेक्टेड होते हैं? अपने व्हील से कनेक्टेड होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। चलो, तो ये तो हमने देख लिया कि सिलेंडर वन टू थ्री फोर किससे कनेक्टेड होता है। सिलेंडर वन टू थ्री एंड फोर आर कनेक्टेड टू अपना व्हील्स, किससे? अपना व्हील्स, व्हील्स मतलब गाड़ी के पहिए। और जो गाड़ी के पहियों से जो सिलेंडर जुड़े होते हैं, गाड़ी के पहियों से जो सिलेंडर जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं स्लेव सिलेंडर। स्लेव मतलब नौकर, स्लेव सिलेंडर। अब स्लेव सिलेंडर क्यों बोलते हैं ये भी हम बात कर लेंगे आगे, ये भी हम बात आगे कर लेंगे। तो जो भी सिलेंडर या पिस्टन सिलेंडर किससे कनेक्टेड होते हैं? अपने व्हील से कनेक्टेड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्लेव सिलेंडर, बराबर। अब ये सिलेंडर फाइव ही बनाया है मैंने, क्या बनाया मैंने? सिलेंडर फाइव। ये सिलेंडर फाइव जो है ये अपने पैडल से कनेक्टेड होते हैं, ब्रेक पैडल से। कार में अपना ब्रेक पैडल रहता है पैर पे, बराबर। अपना ब्रेक पैडल कहाँ पर रहता है? अपने पैर में रहता है, अपन पैर से ब्रेक लगाते हैं, राइट। तो जो जिस पैडल से हम लोग ब्रेक लगाते हैं, जिस पैडल से हम लोग ब्रेक लगाते हैं उस पैडल से कनेक्टेड होता है ये सिलेंडर का पिस्टन। ये किससे कनेक्टेड है? ब्रेक पैडल। अगर कार है तो अपने पैरों में रहेगा ब्रेक पैडल, और अगर बाइक है तो भी अपने पैरों में, स्कूटी है तो अपने हाथ में, क्लियर है। बाइक में दोनों में रहता है, बाइक में दोनों में रहता है, हाथ में भी रहता है पैर में भी रहता है। क्यों? अपन फ्रंट ब्रेक लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? अपना फ्रंट राइट हैंड का ब्रेक प्रेस करते हैं। तो जो बाइक है उसमें ये जो मास्टर सिलेंडर है या जो फिफ्थ सिलेंडर है, वो फिफ्थ सिलेंडर अपने हाथ के ब्रेक पे भी कनेक्टेड रहता है और पैर के ब्रेक पे भी कनेक्टेड रहता है। कार में अपने पैर के ब्रेक पे और स्कूटी में अपने हाथ के ब्रेक में कनेक्टेड रहता है। ये जो मास्टर सिलेंडर वन, सॉरी, स्लेव सिलेंडर वन टू थ्री फोर किससे कनेक्टेड है? व्हील से। और जो पांचवा सिलेंडर है वो कनेक्टेड है अपने ब्रेक से। फिर अपने फिर गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हैंड ब्रेक है या लेग ब्रेक है। अगर लेग ब्रेक है तो अपने पैरों में रहेगा ये सिलेंडर, पर हैंड ब्रेक है तो अपने हाथों से कंट्रोल होगा ये सिलेंडर, क्लियर है। तो देखो, जो सिलेंडर अपने ब्रेक पैडल से कनेक्टेड होता है उसे हम कहते हैं मास्टर सिलेंडर। क्या कहते हैं? मास्टर सिलेंडर। मास्टर क्यों? हम इसको ये बोलेगा, इनको जब हम इसको क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तब ये इनको बोलेगा कि कितना प्रेशर लगाना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पिस्टन बन जाएगा या ये सिलेंडर बन जाएगा मास्टर सिलेंडर, और ये बन जाएगा स्लेव सिलेंडर, क्योंकि इसके हिसाब से ये काम करेगा। ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये भी ज्यादा प्रेशर लगाएगा, कम प्रेशर लगाएंगे तो ये भी कम प्रेशर लगाएगा, बराबर। तो जिसके ऊपर हम प्रेशर लगा रहे हैं वो बन जाएगा मास्टर, जिसके ऊपर हमारी वजह से या पहले मास्टर की वजह से प्रेशर लग रहा है वो बन जाएगा स्लेव, क्लियर है। जिसके ऊपर हम प्रेशर लगा रहे हैं वो बन जाएगा मास्टर,
जिसके ऊपर मास्टर प्रेशर लगा रहे वो बन जाएगा स्लिप। बराबर, जो अपने कंट्रोल में है वो है मास्टर सिलेंडर, और मास्टर सिलेंडर के जो कंट्रोल में है वो है स्लिप सिलेंडर। क्लियर है? इसलिए अपने कंट्रोल वाले को मास्टर बोलते हैं, और मास्टर जिसको कंट्रोल करता है उसको स्लिप बोलते हैं। चलो आगे बढ़े। हमेशा याद रखना, यहाँ पर लिखता हूँ नोट, एरिया राइट से लिखता हूँ, एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर इज ऑलवेज लेस देन एरिया ऑफ स्लेव सिलेंडर। ऑलवेज लेस देन एरिया ऑफ स्लेव सिलेंडर। ऐसा क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ाएंगे तभी तो फोर्स बढ़ेगा। अगर मैंने एरिया कम कर दिया तो फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर तो कांस्टेंट है। अगर मैं ये अपना प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या बन जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। पर प्रेशर तो कांस्टेंट है, अपने को पता है अगर अपने पास एक कांस्टेंट है और इज इक्वल टू, अपन क्या लगाएंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर मैंने एरिया बढ़ाया तो फोर्स बढ़ेगा, एरिया मैंने अगर कम किया तो फोर्स कम हो जाएगा। मुझे क्या करना है, यहाँ पर हैवी फोर्स लगाना है ताकि हैवी ऑब्जेक्ट उठ पाए, यहाँ पर हैवी फोर्स लगाना है ताकि हैवी ऑब्जेक्ट उठ पाए, इसलिए इसका एरिया भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। हमेशा याद रखना, एरिया ऑफ स्लेव सिलेंडर इज ऑलवेज मच ग्रेटर देन एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर। क्लियर है? क्योंकि इस पूरे कंसेप्ट में, पास्कल लॉ में, प्रेशर कॉन्स्टेंट है। जितना प्रेशर यहाँ लग रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ लगेगा, उतना ही प्रेशर यहाँ लगेगा, उतना ही प्रेशर यहाँ लगेगा, उतना ही प्रेशर यहाँ लगेगा। क्लियर है? पूरे कांस्टेंट, पूरे सिस्टम में या पूरे पास्कल लॉ के एप्लीकेशन में प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब अगर मैंने एरिया बढ़ाया तो फोर्स अपने आप बढ़ेगा, अगर मैंने एरिया बढ़ाया तो फोर्स अपने आप बढ़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर जो स्लेव सिलेंडर है उनका एरिया बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने आपको ऑलमोस्ट पांचों सिलेंडर के एरिया सेम दिख रहे होंगे, उसका रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये डायग्राम बनाने के लिए ऑलमोस्ट 15 मिनट लगे। अगर मैं लेक्चर के बीच में यह डायग्राम बनाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता। इसीलिए मैंने क्या किया, एरिया को डायग्राम पहले ही बना दिया है, और जगह कम होने की वजह से यहाँ पर मैंने मास्टर सिलेंडर और स्लेव सिलेंडर का जो साइज है वो सेम बताया। पर याद क्या रखना है, एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर इज ऑलवेज लेस देन एरिया ऑफ स्लेव सिलेंडर। क्यों? क्योंकि अगर मुझे स्लेव सिलेंडर पे, ये स्लेव सिलेंडर था, मुझे यहाँ पर हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर मुझे यहाँ पर हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा एरिया को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ही जाएगा प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर है? ओके चलो, तो यहाँ तक तो क्लियर है सबको, आई थिंक तो किसी को कुछ डाउट है नहीं। बढ़ते हैं आगे। चलो, तो यहाँ पर अपने पास 5 सिलेंडर थे, मास्टर सिलेंडर बोलते सिलेंडर नंबर 5, और 4 सिलेंडर स्लेव 1, सिलेंडर 1, स्लेव सिलेंडर 2, स्लेव सिलेंडर 3, स्लेव सिलेंडर 4 एंड स्लेव सिलेंडर 5। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए फ्लूइड बताया था, यहाँ पर क्यों नहीं बताया अभी बताना, याद क्या रखना है, ब्लू मतलब फिक्स्ड वॉल, ब्लू मतलब फिक्स्ड वॉल, रेड मतलब मूवेबल वॉल, ब्लू मतलब फिक्स्ड वॉल, रेड मतलब मूवेबल वॉल। सिलेंडर 1, 2, 3, 4 का जो पिस्टन है इसे कनेक्टेड है अपने व्हील से, इसे कनेक्टेड है अपने व्हील से, और सिलेंडर 5 का जो पिस्टन है वो किसे कनेक्टेड है, ब्रेक पैड से, डिपेंडिंग अपॉन, अगर अपने हैंड ब्रेक है तो हैंड ब्रेक के पैडल से कनेक्टेड रहेगा, अगर अपने पास लेग ब्रेक है तो लेग ब्रेक से के पैडल से कनेक्टेड रहेगा। क्लियर है? लेट्स मूव फर्दर। चलो, अब हमें भरना क्या है, अब मुझे बताओ ये सिस्टम पूरा क्लोज है या नहीं, कहीं से भी हवा जाने के लिए जगह है, हवा दिख रही है, आप बोलोगे सब दिख रही है, फिक्स कर देते हैं, ये इस तरह से सिस्टम क्लोज रहता है कि इसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती, पूरा का पूरा सिस्टम क्लोज है, इसके अंदर फील कर देते। क्यों क्लोज रहता है, अगर अपन इसमें थोड़ा सा भी छेद बना दे तो फ्लूइड पूरा क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा,
फ्लूइड लीक हो गया तो नुकसान अपना ही है, अपने को पता है ब्रेक ऑयल और इंजन ऑयल का खर्चा कितना आता है, बराबर ना? आया नहीं? ब्रेक ऑयल इंजन ऑयल का खर्चा आता है, सर्विसिंग करने जाता है, अगर थोड़ा भी लीकेज रहा तो एक ही दिन में पूरा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑयल लीक हो जाएगा। तो फिर हर दिन भरा 200 का 300 का, हर दिन 200 का 300 का, इतने में तो गाड़ी का EMI भर के अपन कार ले सकते हो, क्लियर है? यहाँ पर हम लोग फ्लूइड भर देते हैं, पूरा क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर हमने क्या भर दिया, फ्लूइड भर दिया। इसके अंदर हमने क्या भर दिया, फ्लूइड भर दिया, कौन सा फ्लूइड, ब्रेक ऑयल इसको बोलते हैं, बराबर। बहुत सारे कंपनीज खाते हैं, आपने कैस्ट्रोल का सुना रहेगा, उसके बाद राइडर्स का सुना रहेगा, अपने अपने डिपेंडेंट है अपने अपने शॉप के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर। चलो फ्लूइड भर दिया मैंने, जैसा कंडीशन यहाँ पर था मैंने क्या किया था, मास्टर सिलेंडर पर प्रेशर लगाया था, उसका एरिया छोटा था, मैंने क्या किया यहाँ पर ब्रेक लगाया, मान लो मेरे पास स्कूटी है, मैंने ब्रेक दबा दिया, ब्रेक दबाया तो क्या हुआ, इसके ऊपर प्रेशर आया, इसके ऊपर प्रेशर, ये जो प्रेशर है इसका होगा प्रेशर ठीक, आया नहीं, प्रेशर क्या होगा अपने को पता है, पास्कल लॉ क्या बोलता है, चलो एरिया की बात कर लेते हैं पहले, किसकी बात कर लेते हैं, एरिया की, अपने को पता है मास्टर सिलेंडर का एरिया क्या रहता है, A1, इसका एरिया क्या रहेगा, मास्टर सिलेंडर के पिस्टन का एरिया स्लेव सिलेंडर जितने भी है उनका एरिया रहेगा, हमेशा याद रखना जितने भी स्लेव सिलेंडर है उनका एरिया सेम रहेगा, क्योंकि चक्के का साइज सेम रहता है। अगर अपन ने हाँ अगर अपन वो हैवी व्हीकल्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल रोड रोलर हो गया या फिर ऐसे भी ट्रैक्टर हो गया जिसके हम लोग देखते हैं आगे के पहिए छोटे हैं पीछे के पहिए बड़े हैं, वैसे टाइम पर सिलेंडर के साइज भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैक्टर में देखेंगे आगे के पहिए छोटे हैं पीछे के पहिए बड़े हैं, तो आगे के पहिए छोटे हैं तो उनका जो सिलेंडर होगा वो भी छोटा होगा और पीछे का जो पहिया होगा वो बड़ा था, सिलेंडर के पहिए के हिसाब से सिलेंडर का साइज भी बड़ा होगा, क्लियर है? डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल सिलेंडर के साइज सेम रहे चेंज होंगे। हम बात की कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट किस बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग कार के बारे में, बराबर। तो कार के चारों पहिए सेम रहते हैं, कार के चारों पहिए सेम रहते हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ जितने भी हमारे पास स्लेव पिस्टन है या स्लेव सिलेंडर है उनके एरिया क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर ये ट्रैक्टर होता, अगर ये क्या होता, ट्रैक्टर देखा रहेगा सबने मूवीज में, घर में भी देखा ही रहेगा, कभी गाँव गए रहेंगे तो क्या रहता है, ये ट्रैक्टर या रोड रोलर, ट्रैक्टर या रोड रोलर। तो मान लो ये आगे के पहिए और ये पीछे के बड़े पहिए, बराबर। तो यहाँ पर इन दोनों का एरिया सेम रहता, क्योंकि आगे पहिए सेम रहते, A2 A2, इनका एरिया चेंज हो जाता, इसको लिखता मैं A3, इसको लिखता A3, बराबर। और किस्मत सबसे ज़्यादा एरिया किस कौन से सिलेंडर का रहता, A3। तो ट्रैक्टर में क्या हो जाता, A3 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन, बराबर। अगर हम ट्रैक्टर की बात करें, ट्रैक्टर के सिलेंडर का एरिया ऐसे वेरी होगा, A3 इज ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A1, क्लियर है सबको? क्योंकि मैंने हमेशा बात की स्लेव सिलेंडर के एरिया बड़े रहते हैं और मास्टर सिलेंडर के एरिया छोटे रहते हैं। क्यों स्लेव सिलेंडर के एरिया बड़े रहते हैं, क्योंकि हमें स्लेव सिलेंडर के ऊपर ज़्यादा फोर्स चाहिए रहता है और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ओके। तो हम बात करें थे कार की, तो हम कार ही लेते हैं, रफ कर देता हूँ मैं, A2 है यहाँ पर, कार लिखता हूँ ऑफिस से, कार लिख दिया मैंने, तो एरिया भी A2 है पिछले के टायर का भी और एरिया भी A2 है पिछले के टायर का भी, बराबर। अब मैंने यहाँ पर प्रेशर लगाया, इस पर मास्टर सिलेंडर, इस पर मास्टर सिलेंडर,
मास्टर सिलेंडर पे प्रेशर लगाने की वजह से होगा क्या? यहाँ पर मैंने क्या लगाया, वैसे कैसे हैंड ब्रेक है तो मैंने हैंड ब्रेक दबा दिया, हैंड ब्रेक दबाया पिस्टन अंदर चले गया, पिस्टन ने फ्लूइड को दबाया, पिस्टन ने किसको दबाया, फ्लूइड को दबाया, फ्लूइड फ्लो हुआ। यहाँ पर हमें पाइप दिख रहे, क्या दिख रहे हमें, पाइप जिसमें से क्या फ्लो हो सकते हैं, फ्लूइड फ्लो हो सकता है। मैंने यहाँ से इसको प्रेस किया तो ये अंदर गया, तो ये जो फ्लूइड था कुछ फ्लूइड यहाँ पर गया, कुछ फ्लूइड यहाँ पर गया, बराबर। जो फ्लूइड फ्लो हुआ वो क्या ट्रांसमिट कर रहा है, जो फ्लूइड फ्लो होता है वो क्या ट्रांसमिट करता है, प्रेशर। मतलब जो भी फ्लूइड जा रहा है, बिकॉज मैंने इसको प्रेस किया, मैंने इसको क्या किया, प्रेस, तो फ्लूइड क्या हुआ, फ्लो होना चालू हुआ फ्रॉम सिलेंडर 5 to 1, 2, 3, 4। 5 से क्या हो जाएगा, 5 को मैंने प्रेस किया, फ्लूइड फ्लो होना चालू किया, किस किस में जाएगा, 1 में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा। 4 में मान लो 4 की बात करते हैं, 4 में फ्लूइड आ रहा है तो पिस्टन इस तरफ जाएगा, जो पिस्टन 4 है ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है। जैसे ही ये बाहर की तरफ जाएगा, व्हील के पास कैसे होते हैं, इस शाफ्ट से कनेक्टेड है, सी टाइप के या जैसे राउंड टाइप के क्या होते हैं, क्लच पैड्स होते हैं, या सॉरी ब्रेक पैड्स होते हैं, जिसको हम डिस्क ब्रेक बोलते हैं, उनको दिखते हैं व्हील ऐसे कनेक्टेड, इसको क्या होते हैं, डिस्क ब्रेक होते हैं। जैसे ही ऐसे पुश करेगा, ये जो डिस्क ब्रेक है पहले ऐसे होते हैं, व्हील को कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, थोड़े दूरी पर रहते हैं, हाफ डिस्क ब्रेक। जैसे ही पिस्टन आया, ये क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और चिपकने की वजह से ये व्हील को फ्रिक्शन देंगे, और फ्रिक्शन आने की वजह से क्या हो जाएगा, अपनी व्हील की स्पीड कम हो जाएगी। हुआ क्या, मैं यहाँ से प्रेशर लगाया, मैं यहाँ से प्रेशर लगाया, वही प्रेशर किसके पास गया, फ्लूइड के पास, फ्लूइड यहाँ से फ्लो हुआ 1, 2, 3, 4 में मैंने बात की थी। जैसे मैं इसको अंदर की तरफ धकला, ये चारों बाहर की तरफ धके, चारों बाहर की तरफ, इसके साथ कनेक्ट होता है अपना डिस्क ब्रेक। क्या कनेक्टेड होता है, डिस्क ब्रेक, जो शाफ्ट दिखाया है मैंने, इसके साथ कनेक्टेड होता है अपना डिस्क ब्रेक, जिससे व्हील कनेक्टेड होता है। ये क्या हो जाएंगे, पहले ऐसे होते हैं, जैसे ही ये बाहर आया ये अंदर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, और ये चिपक जाएंगे, और क्या देंगे, अपने व्हील को फ्रिक्शन देंगे, फ्रिक्शन जहाँ पर आता है वहाँ पर स्पीड कम हो जाती है। क्लियर है सबको इतना, यहाँ पर मैंने ब्रेक मारा, ये पिस्टन अंदर गया, ये चारों पिस्टन बाहर गए, चारों पिस्टन कहाँ गए, बाहर गए, पिस्टन 1 इस तरफ, पिस्टन 2 इस तरफ, पिस्टन 3 इस तरफ, पिस्टन 4 इस तरफ, और इसको कनेक्ट, इसके साथ कनेक्टेड जो अपने ब्रेक शाफ्ट थे या डिस्क ब्रेक थे वो क्या हो गए, चिपक गए, इसको व्हील को, व्हील को चिपकने की वजह से उसके बीच में क्या आया, फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन आने की वजह से अपने व्हीकल्स रुक गए। तो ये था अपना ब्रेक के बारे में, इसके बारे में, ब्रेक के बारे में। चलो इसका भी फॉर्मूला सेम ही है जैसा यहाँ पर था, प्रेशर यहाँ पर पी आया, यहाँ पर प्रेशर कितना आया, फिर तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी प्रेशर आएगा, यहाँ पर भी प्रेशर, यहाँ पर भी प्रेशर, इस तरफ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपना पिस्टन बाहर की तरफ जा रहा है, जिस तरफ पिस्टन जाएंगे उधर प्रेशर दिखाएंगे, यहाँ पर पिस्टन अंदर जा रहा था इसलिए अंदर की तरफ प्रेशर, यहाँ पर भी पिस्टन बाहर की तरफ। पास्कल ने बोला है किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लगा हुआ पूरे सिस्टम में सेम प्रेशर होगा, किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर लगाओ पूरे सिस्टम में, कि कोई भी पॉइंट है लो उसमें सेम प्रेशर लगेगा। मैं 4 पॉइंट कंसिडर किए, पहला प्रेशर लगाने के बाद जो रेड से बनाया मैंने सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3 एंड सिलेंडर 4 पे, बराबर। मास्टर सिलेंडर की बात करूँ, इसकी सिलेंडर की बात करूँ, मास्टर सिलेंडर की प्रेशर का फॉर्मूला, मास्टर सिलेंडर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए। मास्टर सिलेंडर का एरिया कितना है, ए वन, यहाँ पर लिखा मैंने ए वन और एफ वन। क्लियर है, क्लियर है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। चारों में से कोई भी एक स्फीयर सिलेंडर ले लो, क्यों, क्यों, क्योंकि चारों पे सेम ही फोर्स तो लग रहा है, चारों पे एरिया भी सेम है, और चारों का एरिया सेम है तो चारों पे फोर्स भी सेम ही लगेगा, और चारों का एरिया सेम है तो चारों पे फोर्स भी सेम ही लगेगा, बराबर। मान लो मैंने पिस्टन सिलेंडर नंबर 4 लिया, फॉर स्लेव सिलेंडर, फॉर स्लेव सिलेंडर नंबर 4 प्रेशर कितना लग रहा है, प्रेशर का फॉर्मूला एफ अपॉन
A2, क्यू एरिया लिखा है मैंने A2, इसका भी एरिया A2 है, इसका भी एरिया A2 है, इसका भी एरिया A2 है, यहाँ पर एरिया A2 है तो फोर्स कितना होगा F2। प्रेशर दोनों के पास सेम है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा F1 upon A1 = F2 upon A2। सेम वही करना है जो पहले क्या था हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए, A2 को ऊपर भेज दो, क्या बन गया अपने पास F2 का फॉर्मूला, मतलब चारों सिलेंडर पे कितना फोर्स लग रहा है A2 upon A1। F1 भी था तो F1 into A2 upon A1। या चाहे हाइड्रोलिक लिफ्ट हो या हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। दिस इज फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ डाउट है नहीं, अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।